पहले हम लोग अमेरिका वगैरह में इवेंट वगैरह देखते थे, वो ये सोचते थे कि भाई अपने कंट्री में भी हो। इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो 2017 से हो रहा है और इस ईयर भी हो रहा है, लास्ट ईयर मैं खुद ही आया था यहाँ पे। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है आपको, बहुत सारी कंपनियाँ, इंडियन कंपनियाँ 5G 6G इवन AI सब के बारे में बात होती है, जिससे कि आपको थोड़ा फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी आइडिया लगता है। एज ए स्टूडेंट, एज ए डेवलपर, एज ए इन्वेस्टर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं सोचा चलो मैं चलता हूँ, भी बनाता हूँ ताकि और लोग भी बेनिफिट ले पाएँ जो भी मेरे व्यूअर हैं। तो मैं आ चुका हूँ, देखते हैं कि यहाँ सेंट्री कैसे होती है, टिकट कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है। तो ये बहुत बड़ा सा प्रगति मैदान, दिल्ली NCR में जितने भी ट्रेड फेयर होते हैं या जितने भी बड़े इवेंट होते हैं वो मोस्टली प्रगति मैदान में होते हैं, अगर दिल्ली NCR की साइड हो रहे हैं तो। तो अभी हमारी एंट्री होने वाली है भारत मंडपम में, ईस्ट जोन। 3 दिन का इवेंट है, कल जो मतलब फ्राइडे को चालू हुआ था जिसमें PM मिनिस्टर्स और जितने भी कंपनियों के CEO हैं वो आए थे फ्राइडे में, और आज जो है पब्लिक के लिए खोला गया आज और कल, यानी कि सैटरडे और संडे। 3 दिन के लिए टाइम से आना पड़ेगा आपको। तो अभी पीछे आप जो देख रहे हो यहाँ से रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अगर आप नहीं करके आए हो तो आपको उनकी वेबसाइट पे IMC पे जाकर रजिस्टर करना है, और उसमें QR कोड आएगा उसको आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पासेज हैं जिनके 15,000-20,000, अगर आप विजिटर हो तो आप फ्री में रजिस्टर करके आ सकते हो। वो फाइनली पास से एंट्री मिल गई है अंदर, और अभी हम लोग हॉल नंबर 5 में आए हुए डायरेक्ट। इवेंट में सबसे पहले हमें जियो के दर्शन हुए हैं और एयरटेल के। ये पूरा सा जो शोरूम देख रहे हो ये जियो वालों का है, जो लास्ट ईयर एयरटेल और जियो ने यहाँ पे 5G लॉन्च करा था। ये देख सकते हो जियो गेम्स, जियो वालों का इमर्सिव 360, एंड हियर इज जियो ग्लास। ये देखियो जियो की AR ग्लासेस, मतलब इसको आप ओपन करोगे तो रियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ बन के आते हैं। इसके अंदर जो डिस्प्ले है उसे भी दिखाई दे रहा है, राइट? इसके कंट्रोलर्स कहाँ हैं? इसमें स्मार्टफोन ही कंट्रोलर होता है। अच्छा, ये जो स्मार्टफोन्स कंट्रोल करते हैं उसको वहीं पे रहने दो, ओके, तो वही आपका स्मार्टफोन ही कंट्रोलर बन जाता है। मतलब ऐसे लग रहा है हम लोग हॉल में दूर से देख रहे हैं, राइट? सही है, एक हॉल वाला एक्सपीरियंस दे रहा है। तो बाकी इसमें मूवी के अलावा और भी कुछ कर सकते हैं क्या? गेम्स खेल सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो जो भी कंट्रोल करेंगे इसके फ़ोन के थ्रू ही करेंगे, राइट? ओके। अभी हमने उधर जियो ग्लासेस देखे, एक थिएटर वाला एक फील आता है, मतलब बहुत दूर डिस्प्ले है और आप वहाँ पर मूवी देख सकते हो। इवन उनका जो कंट्रोलर है वो ग्लास में नहीं है, फ़ोन का जो एप्लीकेशन है उसी में आप कम VR डिवाइस जियो का। तो ये VR डिवाइस और इसमें आपको फ़ोन लगा के यूज़ करना है। इसको प्ले कैसे करेंगे भैया? वहाँ पे सामने है ना रिस्टार्ट, प्ले का ऑप्शन रहेगा रिस्टार्ट का, आप देखिए स्क्रीन पे आप कहाँ दिख रहा है, 360 घूम सकते हैं आप। 360 एक रूम दिख रहा है, प्रॉपर रूम बना हुआ है, वर्चुअल रूम है, वर्चुअल रूम के अंदर आपको दिख रहा होगा 360 रीस्टार्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। तो उसको बटन को क्लिक कैसे करेंगे? यहाँ पे क्लिकर है ना, उसको क्लिक कीजिए जरा एक बार। अच्छा, ऊपर से ही क्लिक होगा और इसमें एक रूम है जिसमें कि गेम स्टार्ट हो चुका है। सही है, तो इसमें जो है आपको हेड के थ्रू ही कंट्रोल करना है, इसके ऑकुलस की तरह कंट्रोलर नहीं है, जस्ट सिंपली आपको हेड के थ्रू इसको इनपुट पास करना है, मतलब लेफ्ट राइट होते रहोगे। एक गेम खेल रहा हूँ मैं। ये जियो की 5G डिवाइसेस, जियो स्पेस फाइवर्स, बेसिकली ये है ऑकुलस की तरह, बट इसमें आप वीडियो वगैरह प्ले कर सकते हो 360 फिलहाल के लिए। तो बेसिकली ये जियो का जियो स्पेस फाइवर लॉन्च हुआ है, एक तरह से सैटेलाइट की तरह है जिसमें से इंटरनेट काफ़ी स्पीड में ये लोग लॉन्च कर पाएंगे। एक कल ही लॉन्च हुआ है, जो कल ही मैं न्यूज़ सुन रहा था, मोदी जी का भाषण, आकाश अंबानी वगैरह भी आए थे तो उनका स्पीच सुन रहा था जिसमें ये लॉन्च हुआ था। ये जो है सैटेलाइट को दिखाया गया है कि
इस तरह से जियो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है सिमिलर बेसिकली है जियो स्पेस फाइबर जिन्होंने लॉन्च किया एक तरह से ब्रॉडबैंड सैटेलाइट है अभी लैंड या वाईफाई यूज़ होता था तो अभी इनकी मदद से अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी ये कुछ AI फॉर स्किल डेवलपमेंट AI से रिलेटेड है लेट्स सी क्या चीज़ है ये ट्रांसलेटर है क्या तो यहाँ से आप कुछ बोल सकते हो हिंदी में बोलोगे इंग्लिश में रिप्लाई करेगी अभी आप देख सकते हो कि मैं इसको हिंदी में बात कर रहा हूँ इंग्लिश में देखते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि मैं इसको हिंदी में बात कर रहा हूँ अंग्रेजी में देखते हैं ये बहुत सच में कमाल की चीज़ है जो लैंग्वेज की जो बैरियर भाषा बाधा है हाँ लेकिन चेंज कर दिया अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो भी वो इंग्लिश पत्नी है लेकिन यदि आप हिंदी में बात करना शुरू करते हैं तो यह एक समस्या होगी क्योंकि यह अंग्रेजी के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है सच में काफी बेहतर है मतलब कमाल था रियल टाइम में जो भी मैं बोल रहा था उसको कन्वर्ट कर रहा था अभी हम लोग जियो सेक्शन में ही घूम रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है AI हमें दिख गया जो फ्यूचरिस्टिक है अभी यहाँ पर हमें ड्रोन देखने को मिल रहे हैं अब देखते हैं VR डिवाइसेज भी हमें देखने को मिली है तो इनिशियल लेवल पे जियो ने काम करना स्टार्ट कर दिया है अब देखते हैं ड्रोन का क्या यूज़ करने वाले हैं जियो वाले जियो 5G ड्रोन तो ये है जियो का टाइप है बेंगलोर की कंपनी के साथ जिसको यूज़ किया जाएगा सर्विलेंस वगैरह करने के लिए कहीं पे आपदा आई है कहीं पे कुछ हुआ हो तो इस ड्रोन की मदद से किया जा सकता है बेसिकली गिम्बल इसका एक ही है बाकी ये सब सेंसर है ना ये इसका ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सेंसर्स हैं ये 5 डायरेक्शन में चार इस जगह और एक नीचे भी है अच्छा ये इसका GPS है अच्छा ठीक है और ये मोटर इसका डिस्टेंस वगैरह कितना है कि कितना 5 किलोमीटर रेंज है इसकी अच्छा और हाइट में टाइम 40 टू 45 मिनट्स तक फ्लाई कर सकता है एक बार चार्ज होने पे इसकी बैटरी तो बेसिकली वो जो ड्रोन अभी दिखाया मैंने वो सर्विलेंस के लिए बनाया हुआ है बेसिकली प्रॉपर जियो का टाइप है एक बेंगलोर की स्टार्टअप है उनके साथ तो अभी धीरे धीरे ये लोग ड्रोन सेक्टर में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पे जियो की कुछ हेल्थ केयर में जो कैंसर से रिलेटेड डिटेक्शन होते हैं उनके बेसिस पे काम वर्चुअल वर्क स्पेस मतलब आपको क्लाउड पे ही स्पेस मिल जाता है यहाँ पे हम लोग कुछ AI ट्राई कर रहे हैं कुछ वर्ड से हम लोग इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे लेट्स सी लोग ML मॉडल वगैरह वैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन वगैरह में हम लोग की टीम में भी ML के मॉडल ट्रेनिंग करते हैं बॉट वगैरह बनाते हैं शैडोकास्ट इंडिया इट इज़ UK बेस्ड और जिसमें हम लोग वर्चुअल रियलिटी बताते हैं तो ये बेसिकली इमेज को स्टार्टिंग से ड्रॉ कर रहा है कि ये सर्चिंग करके दे रहा है ऐसे इंडियन कल्चर के बेसिस पे पिक्सल में पिक्सल बिल्ड कर रहा है एक एक चीज़ बिल्ड कर रहा है मतलब यूनिक होगा जो ऐसे कहीं एग्जिस्ट नहीं कर ये देखो ये जो चीज़ है इनकी ऑगमेंटेड रियलिटी की तरह है मतलब जैसे मैंने बताया था कि मैंने कैमरा खोला कुछ बाहर आ गया तो उसके बेसिस पे ट्रेनिंग दे सकते हैं जैसे कि ये डिवाइसेज हैं इनके पास जो हाथ में पड़ी हुई है तो इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट है कहाँ पे इट इज़ कॉल्ड AR पॉड स्किल डेवलपमेंट इस चीज़ को सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट करा था बट एक खुशी की बात है कि इंडिया में जियो ने भी इनिशिएट कर लिया है ये स्मार्ट वॉच अब आ रही है स्मार्ट शूज ये है रोबोट का मॉडल इसमें आप देख सकते हो कि रोबोट जो है खेतों में जाके जो ये देख सकते हो जैसे हम लोग खेत वगैरह जोतने में यूज़ करते हैं तो बहुत कम स्पेस हो तो वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है ये मॉडल है ये है इसका रॉकर बॉडी तंत्र बंद और मेरों को आसानी से पार कर जाता है छोटे एग्री रोबोट किसान के सच्चे साथी हैं बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू ही लगाया गया है और ये देख सकते हैं ड्रोन यही ड्रोन यहाँ पर रखे गए हैं बेसिकली खेतों में छिड़कने वगैरह के काम आ जाएंगे यहाँ पे आपको डेमो देखने को मिल जाएगा देखिए किस तरह से यूज होंगे अब कृषि के क्षेत्र में भी स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है जिसका 10 kg तक उठा सकते हैं 10 kg तो इसमें रखते कैसे होंगे अंदर कुछ नहीं ये सेंसर है ना सर क्लिप माउंट हो जाता है अच्छा नीचे की तरफ लग जाता है अच्छा अच्छा नीचे की तरफ जो है यहाँ पर क्लिप लगा हुआ है और यहाँ से माउंट हो जाता है कोई भी सामान एयर बैग है सर
ये क्या करता है? इन केस आपका डैमेज हो गया ड्रोन। अच्छा, सेंसर क्या होता है, बहुत कॉस्टली हो रहा है। अच्छा अच्छा, उस केस में इसको जो हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, एयरबैग उसको सेंसर को ढक लेगा, गिरने के बाद सेफ पॉइंट, उतना नुकसान होगा नहीं ड्रोन का। सही। और कितना वेट होगा वैसे इस ड्रोन का? कितनी ऊंचाई और लेंथ डिस्टेंस तक जा सकता है? पाँच किलोमीटर के आसपास जाएगा। अच्छा, और हाइट इसका 500 मीटर तक है। तो इसके लिए तो प्रॉपर लाइसेंस वगैरह भी लेना पड़ता होगा ना, क्योंकि वेट काफी है इसका ना? सब कुछ लेना पड़ता है। से आया कि कोई इंडियन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है हमारा। अच्छा, हम गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च पार्ट के लिए। जैसे कि सब जितनी चीजें हम लोग देख रहे हैं वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से लगाए गए हैं। यहाँ भी जो बना हुआ है कंप्यूटर विजन के ऊपर बना हुआ है, बॉर्डर या खेत वगैरह में लगाया जा सकता है। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कंप्यूटर विजन और हम लोगों की वैल्यू बढ़ने वाली है, क्योंकि हम लोग भी इन्हीं सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर ही मोदी जी ने यहाँ पे 5G लॉन्च करा था, अभी देखो यहाँ पे 6G का भी काम स्टार्ट हो गया है। कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने बोला था कि 6G के ऊपर काम करने के लिए, तो जियो और भी जो बड़ी कंपनियाँ हैं उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। 6G टेस्ट बैड। यहाँ पे अंदर लगा हुआ है एरिसन कंपनी का। तो बेसिकली ये देख सकते हो कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं। इससे ये लोग क्या करते हैं, इतने सारे कैमरे को लगा के ये 4D एरिसन 4D रिप्ले करते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ, ठीक है। बेसिकली तीन एंगल से ये, मतलब 360 से दिखाना। हम लोग जो काम करते हैं इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक वीडियो, यानी कि चारों तरफ से आपको कैप्चर करता है, एक पर्सन की तरह आपको दिखाता है। ओके, तो इन कैमरे को देख के मुझे लगा था कि ये वॉल्यूमेट्रिक वीडियो होगा, बट इट इज़ अ डिफरेंट एरिसन 4D डिस्प्ले। यहाँ पे इन्होंने जो भी प्ले किया था देयर, वो यहाँ पे शो हो रहा है। बेसिकली जो हम लोग काम करते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक वीडियो होता है, यानी कि जिसमें क्या पूरे इन्वायरमेंट में इमर्सिव हो सकते हो, बट इनको ये प्ले करने के लिए डिस्प्ले की ज़रूरत होगी, यानी कि अगर इनके कोई SDK वगैरह भी होते हैं तो उसके लिए भी डिस्प्ले होती। VR में क्या होता है कि आप इमर्स हो जाते हो, मतलब पूरे इन्वायरमेंट में हो, वो प्ले हो जाता है एक PNG इमेज की तरह। बट ये भी अच्छा है कि अगर आप क्रिकेट वगैरह देख रहे हो तो इस तरह से व्यू मिल जाए, वो काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा। पीछे हमने देखा एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रहे हैं मेडिसिन कंपनी, जिसमें कि केबल या किसी भी चीज़ की चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इन्वायरमेंट से बहुत सारे सिग्नल से पावर लेके चार्ज होगा। अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मेटा क्वेस्ट प्रो, जिसमें कि ये होलोग्राम दिखा रहे हैं, किस तरह से हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये मॉडल है जो माइक्रोसॉफ्ट इस पर काम कर चुकी है, लाइक हमारा होलोग्राम जापानी लैंग्वेज में बात करेगा, और मुझे हिंदी भी आती है। तो VR डिवाइस में भी हमने ट्राई करा, जिसमें कि वॉल्यूमेट्रिक वीडियो ही था, उसको हम लोग इधर उधर प्लेस कर सकते थे, छोटा बड़ा कर सकते थे। यहाँ पे लगा हुआ TCS का, जैसा कि हम सभी जानते हैं TCS टॉप लीडिंग IT कंपनी है। वी आर इन TCS खोली, देखो ये TCS की स्पेशल गाड़ी देखने को मिली है। तो TCS वाले सेक्शन में हमें बड़ा सा ड्रोन देखने को मिला है, काफ़ी हैवी है। आई थिंक इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ दवाई वगैरह रखने के लिए लगाया हुआ है। और ये देखिए कुछ डेमो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई थिंक TCS का टाई अप होगा इंडो विंग्स के साथ। जीनियस, don't be shy, you can talk to me, you can say take me to conference room, take me to conference room. His name is Shabat. Everyone is talking about their product. Don't you get
पे हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं उन कंट्रीज के क्रिकेट के। तो घूम के सच में काफ़ी मज़ा आ गया। इतने बड़े इतने ब्लॉक्स हैं ना कि भाई चल के थक जाओ, खाने के लिए भी नहीं दिख रहा था। वो अभी 6 बजे बंद भी हो जाता है। कोशिश करूँगा कि मैं रात में ब्लॉग डाल दूँ, तो अगर आप देखते हो तो कल आ सकते हो, बाकी अगर नहीं आ सकते तो ब्लॉग से इंजॉय करो। बट ऐसे इवेंट में जाना चाहिए ताकि आपका जो मेंटल एक्सरसाइज है, जो अवेयरनेस है, वो सब बढ़ती रहे, जिससे कि नॉलेज एज वेल एज बहुत जगहों पर यूज़ होता है, आपके सोचने के तरीके में, आपका बिजनेस एनालिसिस में। तो ये था, वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट।